Bye. Uh -huh. हेलो गाइस क्या हाल चाल गाइज़ कैसे हैं आप लोग क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है सुनाई दे रही है जल्दी से बता दो बच्चों कैसे हो सब ऑडिबल है सर तो फिर क्या रही जल्दी बोलो अरे कोर्स तो चलेगा ना भाई मैं तो जस्ट जानना चाहता था कि कितने बच्चे हैं जुड़े हुए ठीक है तो देखो कुछ कुछ चीज़ें जो देखो कोर्स कोर्स तो एज इट इज़ रहेगा कोर्स के साथ कुछ नहीं है मैं कुछ कुछ चीज़ें समझा समझाऊ ना यार देखो कुछ इट्रेशन्स करने पड़ते हैं ना दिमाग में तो मुझे इस चीज़ की एक क्लैरिटी निकल के आई है कि यार मुझे कुछ वन शॉट वीडियोज़ बच्चों के लिए बनाने चाहिए ठीक है सो यस आई विल गो फॉर दैट वन शॉट वीडियोज़ तो वन शॉट वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए बनाया करूंगा ठीक है और बताओ क्या हालचाल है क्या हालचाल है कैसे है आप लोग ठीक है कल लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया गंदे बच्चे हो ना तुम लोग ठीक है क्लास आया करो यार लाइव आया करो ऐसे मत किया करो यार ठीक है एक्चुअली अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए ठीक है तुम लोग कि रेगुलर रहा करो ठीक है रेगुलर रहोगे तो बढ़िया रहेगा ठीक है तो बी रेगुलर हिंदी क्लासेस यार ठीक है आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वेलकम बट वाइज जय क्रैश कोर्स स्टॉप नहीं जय का क्रैश कोर्स जो है था ही नहीं मेरा कभी भी जय फुल सिलेबस कोर्स है और इसे मिक्स मत करो ये फाउंडेशन है so, session, तो मैं आपको बता देता हूं नीट फाउंडेशन एंड एन टी एस सी प्लेटफॉर्म यह प्लेटफॉर्म बच्चों आपको ऑफर करता है क्लास एट नाइन टेंथ छोटी क्लासेस में कंप्लीट आपकी फाउंडेशन की स्टडीज ठीक है अगर आप छोटी क्लासेस में अर्ली स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों ऑल इंडिया रैंक लाने में बहुत मदद मिलती है आपको ध्यान रखना आर ए लाइव परम सत्य है आप रेफरल कोड का जरूर इस्तेमाल करें फॉर टेन परसेंट फी डिस्काउंट बहुत ही बढ़िया एक्साइटिंग ऑफर लेके हम आप लोग के लिए सामने आए हैं यहां पर देखना कुछ नई बात है अनअकेडमी कॉम्बैट आर यू क्लास नाइन्थ और क्लास टेन्थ स्टूडेंट्स यस देन इट इज फॉर यू आर यू एस्पायरिंग फॉर आई आई टी जे नीट और ओलंपियाड्स ओके इफ यस दिस इज द बिगेस्ट डील फॉर यू गाइज ठीक है फ्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर सेप्टेंबर 26 तो so, 26 सेप्टेंबर को दिन में एक बजे आप लोग के लिए कॉम्बेट एग्जामिनेशन होने वाला है कॉम्बेट एग्जामिनेशन में क्या है ये जो पेपर है इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको अभी के अभी अगले दो से तीन मिनट में कंप्लीट डिटेल्स बता दूंगा अनकेडमी कॉम्बेट फॉर आई आई टीजे नीट फाउंडेशन एंड एन टी एस सी यस यू गाइज आर लुकिंग दिस एब्सोल्युटली करेक्ट एनटीएससी वाले बच्चे फाउंडेशन एंड एनटीएससी टी प्लेटफॉर्म बहुत डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा रजिस्टर फॉर फ्री तो देखो ये कॉम्बेट एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं होते हैं ये हर एक बच्चा जो है पार्टिसिपेट कर सकता है एनअकेडमी प्लस के ऊपर जो है आके दे सकता है दिस इज अ फ्री टेस्ट ठीक है तो आईटीज नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी क्लास नाइन्थ एंड क्लास टेन स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पूल वर्थ रुपीज टेन लैक्स ट्वेंटी सिक्स ऑफ सेप्टेंबर जो है ये इसका जो है एग्जामिनेशन का डेट है मैं आपको सिलेबस भी कंप्लीट बता देता हूं ध्यान रखना फ्री चीजों को एक्सेस करने के लिए भी एक कोड अप्लाई करना पड़ता है जिससे कि वो फ्री कंटेंट आपका अनलॉक हो जाए तो उसके लिए रेफरल कोड जरूर डालें वहां पर ठीक है गाइज अदर देन दैट मैं और बातें भी आपको बता देता हूं इसके अंदर क्या है टॉप वन टू थ्री रैंक को जो है अन का एक ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री फोर्थ से टेंथ तो वालों को सेवेंटी फाइव परसेंट स्कॉलरशिप इलेवन से फिफ्टी को फिफ्टी परसेंट स्कॉलरशिप फिफ्टी वन से हंड्रेड ट्वेंटी फाइव परसेंट स्कॉलरशिप तो इस तरह से करस्पॉडिंगली आपकी अलग अलग जो है स्कॉलरशिप्स है ठीक है ध्यान रखना फिर से बता देता हूँ फ्री कंटेंट है फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए भी कोड आपको अप्लाई करना पड़ता है बच्चों यहां पे ठीक है और भी बातें छोटी छोटी बातें रिलेटेड टू द सिलेबस मैं बता देता हूँ पेपर आपका एक घंटे का है थर्टी क्वेश्चंस आएंगे सर टॉपिक्स क्या आएंगे पेपर में सारे टॉपिक्स का डिटेल बता रहा हूं सुपर फास्ट एंड फन विद रियल टाइम रैंकिंग बहुत बढ़िया चीज मिलेगी आपको ये ठीक है देन टू सेक्शन साइंस एंड मैथमेटिक्स ओनली साइंस एंड मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है क्लास नाइन टेंथ का ही कंटेंट आएगा अब डेफिनेटली अगर आप यहां से पढ़े होंगे फिजिक्स का कोर्स तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प फिजिक्स में भी करेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी करेगा आपको ठीक है ध्यान रखना फिर से बता देता हूं इसे अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड जरूर अप्लाई करना बच्चों लोग ठीक है इसका जो सिलेबस है गाई सिलेबस देख लीजिए साइंस का सिलेबस आप आप अगर चाहते हो सिलेबस को देखना तो मैं एक मिनट के लिए रुक जाता हूं स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिए बच्चों इसका सो यू विल गेट दिस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका तो ये जो है आपका सिलेबस है जो पेपर आपका होने वाला है साइंस के अंदर आप देखो ये सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है मैंने न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है मतलब वैसे न्यूटन लिख दे ना इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते तो भी काम हो जाता वीज इक्व प्लस एटी एस टी प्लस वो सारी एवरेज वेलोसिटी स्पीड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ठीक है ये सारी की सारी चीजें आई होप यार आप लोग बिल्कुल फुल मार्क्स लेके आए बायो देख लेना केमिस्ट्री देख लेना मैथमेटिक्स देख लेना ठीक है क्लास नाइन्थ एंड टेंथ के लर्नर्स के लिए कॉम्बेट एग्जामिनेशन है ठीक है आई टी जी जई नीट फाउंडेशन एन टी सी है ट्वेंटी ऑफ सेप्टेंबर को सो डू एनरोल दैट आपको इसका लिंक जो है मैं टेलीग्राम चैनल टी डॉट एम स्लैश आर ए लाइव यहां पर सर्कुलेट कर दूंगा बच्चों जस्ट आफ्टर दिस सेशन ठीक है तो कॉम्बेट के जो लिंक्स हैं आपको मिल जाएंगे मैं आपको सर्कुलेट कर दूंगा चलिए स्टार्ट करते हैं दिस इज द लेक्चर नंबर सिक्स आज एक बहुत बढ़िया चीज पढ़ने वाले हम कि बैरोमीटर एंड मैनोमीटर क्या है आज बच्चों क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा आज मेरी इच्छा है कि मैं थ्योरी आपको थोड़ा सा आगे लेके बढ़ू डी के क्योंकि हम फ्लोटेशन तक लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं डीके अब देखो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना आपको सारे अपडेट्स बच्चों टाइम टू टाइम यहां पर मिलते रहेंगे अन अकेडमी के और अन अकेडमी के प्लस क्लासेस के भी यूट्यूब क्लासेस के भी बग्स बाउंड्री ऑफर आपको पता है ड्रिल क्या है अगर कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है रिपीट जरूर करें रिपोर्ट जरूर करें प्लस प्लेटफॉर्म के बहुत सारे हैं बेनिफिट awesome लिए यहां पर दो साल की फी ओनली सेवनटीन के होती है एक साल की ट्वेल्व के आप रेफरल कोड जरूर अप्लाई करें आर ए लाइव परम सकते हैं यार तो वो लव एंड सपोर्ट के लिए रेफरल कोड जरूर अपलाई करेंगे है एक सब्सक्रिप्शन एकेडमिक मेंटर आपको यहां मिलता है उसके साथ आप प्रिपरेशन कर दें तो ये आइकनिक सब्सक्रिप्शन का जो फीस स्ट्रक्चर है दो साल का फिफ्टी वन के है एक साल का थर्टी टू के ध्यान रखना रेफरल कोड आर ए लाइव परम सत्य है जरूर इस्तेमाल करो बच्चा लोग फॉर दिस सब्सक्रिप्शन एक नया बैच चालू हुआ है एन स्टेज वन का ठीक है पीवाई क्यूज करा रहे हैं ये लोग क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ का आपका एम पैटर्न जो है उसे प्रैक्टिस करो भैया ये जो है फ्री सीरीज आपके लिए चालू हुई है प्लस पे एक दो और बहुत गजब आजकल तो पता नहीं इतनी सारी चीजें आप लोग को मिल रही है यार देखो नाइन्थ तेन एंड स्टूडेंट्स जेई नीट फाउंडेशन जो है फाउंडेशन प्लस आई आई टी जेई सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं यहां पर तो बाय टू ईर्स कॉम्बो एंड गेट टू ईयर्स एक्सटेंशन ठीक है फाउंडेशन फॉर टू ईयर्स फाँड़े लोगे तो दो साल का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ठीक है सो एक्चुअल प्राइस है सेवेंटी फाइव थाउजेंड ऑफर प्राइस फिफ्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड चार साल का कंप्लीट मिल रहा है भैया सारी चीजें इसके अंदर आपका इंक्लूड यहां पे हो जाता है ठीक है तो चार साल का सो दिस इज जेई जेई सब्सक्रिप्शन फाउंडेशन एंड देन साल का ओनली फॉर फर्स्ट फाइव सब्सक्राइबर्स सो डू अवेल दिस थिंग ठीक है स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम योर फेवरेट टीचर्स ये है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेज पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बोलो यार कुछ दिख रहा है क्या आप लोग को कुछ दिख रहा है क्या नहीं बेटा पोल पोल तो रात को है पोल सेशन रात को है पोल सेशन नाइन 9 पीएम पे है आप मुझे बताओ कि ये क्या दिख रहा है आपको एनी आइडिया एनी थॉट प्रोसेस क्या है ये बैरोमीटर ठीक है ठीक है कंपास नहीं नहीं बेटा ये कंपास नहीं है ये जो है आपका जो आज पढ़ाने वाले हैं वही है ये तो बैरोमीटर पे देखिए आपको एक चीज दिख रही होगी यहां पर ठीक है आपको दिख रहा होगा कहीं ना कुछ ये लिखा हुआ एमएमएफ एच जी आप बता सकते हो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर को जो है अगर मैं एमएमएच में कन्वर्ट करूं तो कितना होता है एक ए टी एम कितना होता है अगर एमएमएच में कन्वर्ट करें तो वेरी गुड बच्चों वेरी गुड ठीक है ये आप लोग को याद है सेवन सिक्सटी एमएमएफ एच जी वेरी गुड यार तो ये हमें पता है कि वन एटी एम इज इक्वल टू सेवन सिक्सटी फाइव एच जी यहां पर दिख भी रहा है देखो अभी यहां रीडिंग कितना दिखा रहा है यहाँ सेवन सेवेंटी के आसपास कुछ दिख रहा है कुछ हुआ होगा ठीक है अब देखो बैरोमीटर कैसे काम करता है ये चीज समझनी है अपने को सो बैरोमीटर बच्चों कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूं लीगे एटमोस्फेयरिक प्रेशर एटमोस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर एटमोसफियर क्या करता है ये जो बाहर ऐसा टब होता है एक देखो बड़ा सा टब है यहाँ पर इस टब के अंदर जो है ये भरा हुआ है ये मरकरी भरा हुआ है मरकरी को धक्का दे रहा है यहाँ से मरकरी क्या करेगा जब यहां से धक्का मिलेगा तो इस पाइप में ऊपर चढ़ने लग जाता है सर इस पाइप में ऊपर क्यों चढ़ जाता है ये कैसी बात बता रहे हो आप ये पाइप के अंदर बच्चों इसलिए चढ़ता है बिकॉज यहां पर क्या है वैक्यूम ये खाली है कितने लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा है बचपन में मेरे ख्याल से सबने किया होगा एक बॉटल को पिचका दो ऐसा और पानी में उल्टा डाल दो जैसे ही बॉटल जो है नॉर्मल होती है वो पानी को सक करती है कितने लोगों ने ये चीज करी है बहुत बेसिक सी चीज करी है नहीं करी बताओ यार बेटा व्हाट इज फ्लूइड्स इसके लिए यार बेटा देखो बुरा मत मानो लेक्चर नंबर वन देख लो इसका आंसर आपको मिल जाएगा व्हाट इज फ्लूइड्स ऑलरेडी टॉट पढ़ा दिया है बेटा ये ठीक है करा करा हुआ हुआ है है ठीक है तो देखो ये क्या हो रहा है अगर आप बॉटल को प्रेस करके रिलैक्स कर रहे हो तो अंदर वैक्यूम जनरेट है वैक्यूम जनरेट होने की वजह से क्या हो जाता है अंदर की तरफ जो है फ्लूड खिंचावा चला जाता है ठीक है तो यहां क्या हो रहा है इसके अंदर वैक्यूम है खाली है आपने ऐसी ट्यूब लगा दी अब क्या होगा एटमोस्फेयर साइड से दबाएगा एटमोस्फेयर के दबाने की वजह से इसके अंदर जो है मरकरी धीरे 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 ऊपर की तरफ राइज करने लग जाता है सो दैट इज द प्रिंसिपल दैट इज द आज आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये 760 ही क्यों आया आज आप बहुत बढ़िया चीज समझेंगे ठीक है इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे मैनोमीटर तो मैनोमीटर बच्चों इस तरह का दिखाई देता है ये क्या है बच्चों ये लिखा हुआ यूट्यूब मैनोमीटर ये यूट्यूब वो वाला नहीं है जो आप देख रहे हो आप देख रहे हो ये वाला यूट्यूब यूट्यूब ठीक है इसी क्या बोला अपन ने यूट्यूब ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट हम ये यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ रहे हैं क्यों क्योंकि देखो इसका शेप जो है यू के जैसा है अब ये यूट्यूब मैनोमीटर किस तरह से वर्क करता है दिस ऑल्सो वर्कस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर यहां प्रेशर लगता है धक्का लगता है तो ये देखो ब्लू कलर का लिक्विड ऊपर चला गया यहां पर मैनोमीटर क्या काम करता है एयर प्रेशर ने धक्का लगाया तो ये ऊपर चला गया सर फिर दो इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाए मैनोमीटर और बैरोमीटर ये दो क्यों बनाए बेटा मैनोमीटर जो बनाया ना आपका ये आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर बताएगा हमेशा क्या बताएगा सॉरी ये बैरोमीटर आपको क्या बताएगा ये आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है इस चीज की कैलकुलेशन करेगा एटमोस्फेरिक प्रेशर की वेरिस मैनोमीटर क्या करेगा ये यूट्यूब मैनोमीटर जो दिखाया है ये आपको बताएगा प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड दी बल्ब बल्ब का है सर ये आपका बल्ब है यहां पर जो भी गैस आपने भर रखी है ना इसका प्रेशर बता देगा सर कैसे बता देगा कोई आइडिया सिखा सकते हो क्या कोई कोई कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो क्या बिल्कुल मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूं यहां पर आइए शुरुआत करते अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए बच्चों एटमोस्फेरिक प्रेशर डालिए एटमोसफेयरिक प्रेशर क्या जानते हैं हम इसके बारे में हम इसके बारे में जानते हैं प्रेशर एग्जर्टेड ड्यू टू दी गैसेस प्रेजेंट इन दी एटमोसफेयर इज नोन एज एटमोस्फेयर प्रेशर सिंपल सी बात इसके अंदर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं कि कोई बच्चा बोले कि सर एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है सबसे पहले गाइस डेफिनेशन लिख लीजिए कि डेफिनेशन क्या है ठीक है डेफिनेशन लिख लीजिए भैया सारी चीजों की डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा हर चीज की प्ले आपको यहां पर मिल जाएगी ठीक है और अगर आपको कोई समस्या है तो आप टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट करना मैं डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा बेटा ठीक है चलिए वेरी गुड प्रेशर अर्थ के अलग अलग पॉइंट पे जो है अलग अलग हो सकता है वेरी गुड हो सकता है डेसीमीटर बेटा डेसीमीटर का यहां पर अभी कोई इस्तेमाल नहीं है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है पहले मैनोमीटर पढ़ेंगे और बैरोमीटर पढ़ेंगे है ना ध्यान से देखो अब देखो यार आप क्या बोलोगे सर प्रेशर को कैसे डिफाइन किया गया है जैसे मान लो हमने बोला कि यार अर्थ है अर्थ का ये सरफेस है यहां पर किसी ने बोला कि प्रेशर कितना है तो आप बोलोगे दैट सर इसके ऊपर जो है ना कितनी गैसेस अवेलेबल है गैसेस ठीक है तो आप बोलोगे सर प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स कौन लगेगा कौन लगाएगा फोर्स ये जितनी भी गैसेस यहां पर प्रेजेंट है वो ऐसे दबा रही होगी किसी भी सरफेस को भाई गैसेस का भी कुछ ना कुछ वेट तो होता ही है ना तो अपन क्या बोलेंगे सर प्रेशर को किसी भी पॉइंट पे इस तरह से लिखेंगे ये कौन सा प्रेशर लिख रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेट ऑफ गैसेस डिवाइडेड बाय दि एरिया इस तरह से बच्चों आप सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है डिफाइन करना सीखिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे लिखा जाता है ठीक है आपने क्या बोला कि सर जो ऊपर गैसेस प्रेजेंट उनका कितना वेट हो रहा है डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया ठीक है अब देखो आप कुछ कुछ चीजें जो है यहां पर डिफाइन करना सीखो कि यार डिफाइन करके आप कैसे लिख सकते हो तो आपने बोला कि सर सबसे पहले आप बताओ डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है मरकरी को यह लिखते हैं थर्टीन पॉइंट सिक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या आप लोग को डेंसिटी ऑफ वाटर पता है क्या वाटर की डेंसिटी क्या होती है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यार ये दोनों वैल्यूज ध्यान से याद कर लीजिए समझ में आना चाहिए सर कैलकुलस पढ़ाइएगा बेटा हर चीज पढ़ाएंगे बट अभी क्या अगले चार लेक्चर्स इसी के आने वाले हैं फ्लूड के इस कोर्स में कैलकुलस नहीं होता है बेटा नाइन्थ क्लास में है ना ठीक है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपने ये चीज समझ ली है अब देखो इसके बाद जो है आप जो है ये जी की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं जी की वैल्यू भी जो है अपन इसके अंदर देख लेते हैं कितनी आएगी आपकी जी की जो वैल्यू है अब देखो सेंटीमीटर ग्राम में चल रहे हैं तो सीजीएस में लिखो सीजीएस में कैसे लिखोगे नाइन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्लियर है सिंपल बात आसान बात इजी बात अब देखो ये क्या है जस्ट समझना जस्ट समझना आप थोड़ा सा दिमाग लगाना थोड़ा सा दिमाग ठीक है ये आपका मैनोमीटर था सॉरी मैं बार बार गलत बोल रहा हूं बैरोमीटर था आपका यह बैरोमीटर था आपने क्या किया यहां पर इसके अंदर एक ऐसी इनवर्टेड ट्यूब को रख दिया ऐसा इन्वर्टेड ट्यूब को आप लोग अभी आंसर निकाल दोगे और आप लोग बोलोगे सर हमें समझ में आ गया है ठीक है ये आपने क्या किया एक ऐसी टब ली इस टब के अंदर क्या भरा हुआ है बच्चा मरकरी भरा हुआ है ये क्या है बच्चो मरकरी एंड आपने क्या किया मरकरी को टब में भर दिया इसके अंदर क्या था बच्चों वैक्यूम था वैक्यूम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ यहां पर क्या होगा ना एटमॉस्फेयर धक्का देगा पी नौट। पी नॉट नॉट ये धक्का दिया इसके धक्के देने की वजह से क्या हुआ यहां पर मरकरी ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगा मरकरी बोलेगा यार मैं कहां जाऊं आप मुझे धक्का दे रहे हो तो मरकरी ऐसे ऊपर राइज करना चालू कर देगा मरकरी राइज करके किसी हाइट एच तक पहुंच गया यहां पर एच तक ठीक है अब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन देखो मुझे आपसे आंसर चाहिए यहां पर क्या है वैक्यूम वैक्यूम मतलब वहां कुछ भी नहीं है खाली है वो ठीक है तो बताओ यहां का प्रेशर कितना होगा यहां पर कितना प्रेशर होगा अंदर वट इज दैल्यू ऑफ प्रेशर हर जल्दी से बताओ कितना होगा प्रेशर जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चों जल्दी जल्दी बताओ कितना प्रेशर होगा सारे बच्चे बोलो जल्दी जल्दी बोलो कितना प्रेशर होगा भाई लोग कितना प्रेशर होगा यहाँ पर वट विल बी दैल्यू ऑफ टॉप खाली है कुछ नहीं है खाली है खाली है खाली टोटली खाली डब्बा डब्बा खाली तो आप बोलेंगे सर प्रेशर जीरो होगा पर कुछ है ही नहीं तो प्रेशर कौन लगाएगा हवा भी नहीं है ठीक है न कोई लिक्विड है खाली ऊपर जीरो वैक्यूम है वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होता है कुछ होगा तो प्रेशर लगाएगा ना अब आपने बोला कि सर आपने ना लेक्चर नंबर वन में पढ़ाया था कि जैसे जैसे लिक्विड में या फिर फ्लूड में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है प्रेशर क्या हो जाता है रोजी एच प्लस रोजी एच ठीक है तो किसी ने बोला कि यार आप इस पॉइंट पे थे इस पॉइंट से आप हाइट नीचे आ गए यहां पर ऐसा एच हाइट नीचे आ गए तो इस पॉइंट का प्रेशर बता सकते हो कि क्या होगा इस पॉइंट का प्रेशर तो आप बोलोगे इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर क्योंकि ये सेम लेवल पे है सेम लेवल पे ठीक है तो सेम होगा ठीक है सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए नोट करके स्टार मार्क करके लिख लीजिए नोट करके स्टार मार्क करके नोट आपको स्टार्टिंग में भी लिखाया था अगर आप देखेंगे तो लेक्चर नंबर वन के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है आपने दैट इन ए लिक्विड प्रेशर एट सेम हाइट सेम सेम हाइट पे प्रेशर आपका सेम होता है याद करना ऐसे तीन तरह के अलग अलग बीकर बनाए थे उसमें बोला था कि सेम हाइट पे पॉइंट है तो सबका प्रेशर सेम होगा ठीक है ये चीज आपको सिखाई थी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप बोलोगे सर जो इस ग्रीन पॉइंट का प्रेशर होगा वही यहां वाले पॉइंट का प्रेशर होगा बिकॉज दोनों का लेवल सेम है तो आप बोलेंगे सर ये जो प्रेशर होगा ये पी नॉट के बराबर होगा ठीक है अब सर ये प्रेशर को कैसे लिख सकते हो आप जीरो प्लस रो जी एच लेक्चर नंबर वन में आप सीखे कि प्रेशर कैसे लिखा जाता है नीचे जा रहे हो तो रो जी एच ऐसे आप लिखते हो ठीक है सर अब सर इसमें डेटा डालने कोई कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो बोलो यार ये नॉट क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो क्या है मरकरी की डेंसिटी जी क्या है एक्सलेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी एच क्या है हाइट है ठीक है क्लियर है आसान बात है इजी बात है ठीक है अब अपन क्या करते हैं इस कैलकुलेशन में वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ रो रो ऑफ मर्करीज थर्टीन पॉइंट सिक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है जी की वैल्यू सर नाइन एटी एच की वैल्यू सर अनोन ठीक है सर ये जो यूनिट चल रही है इसकी क्या चल रही है ध्यान से देखना सर ये लिखा हुआ है आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर ये गया ये गया तो ये लिखा हुआ है नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर ट इज इक्वल टू नॉट पी नॉट कैसे लिखा जाता है सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है चलिए लिखते हैं देखते हैं क्या निकल के आता है तो ये लिखा हुआ है थर्टीन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय नाइन एटी मल्टीप्लाइड बाय एच पी नॉट की वैल्यू क्या होती है वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन टू द पावर फाइव पासकल बेटा पासकल क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ एक न्यूटन को अगर सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा वन न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच इन सीजीएस जल्दी बोलो सारे बोलो वन न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच इन सीजीएस आनंद बेटा एयर नहीं डाला जाता है कभी भी ट्यूब के अंदर गलत हो जाएगा फिर वो बैरोमीटर नहीं रहेगा ठीक है थेके? तो एयर नहीं डालेंगे कभी भी फिर वो बैरोमीटर रहेगा ही नहीं एक न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करो ठीक है टेन टू दाइनस फाइव डाइन करेक्ट तो आप बोलेंगे सर ऐसा टू टू मल्टीप्लाई ठीक है डिनोमिनेटर में क्या जाएगा सर आपका आपने जो है मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ठीक है तो ये आ जाएगा आपका टेन टू दावर फोर तो ये हो गया आपका डाइन ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर डाइन को कैसे लिख सकते हैं बेटा आप डाइन को लिख सकते हैं आप के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह से कन्वर्ट करके लिख देंगे आप ठीक है एक सेकेंड रुको गलत बताया ना प्लस फाइव होगा ना भाई प्लस फाइव होगा यार क्या कर रहे हो ठीक है प्लस फाइव होगा प्लस फाइव होगा सॉरी ठीक है अब देखो आप सारी चीजें कैंसिल आउट करना स्टार्ट करो एंड देखो आप किस आंसर तक यहां पर पहुंच रहे हो ठीक है तो आपका जो आंसर निकल के आएगा आपने हाइट एच की वैल्यू निकाली ये क्या है पूरा का पूरा यहां पर यूनिट यहां की यूनिट ये लिख लीजिए ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर बेटा यहां की यूनिट भी लिख लीजिए डाइन को कैसे लिखा जाता है डाइन को लिखा जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अगर आप देखोगे तो ये यूनिट सारी की सारी यहां से और यहां से कट गई है सिर्फ सेंटीमीटर के अंदर आपका आंसर निकल के आ जाएगा कट गई है तो जरा फाइनल आंसर देखो कितना निकल के आता है एच की वैल्यू बच्चों यहां निकल के आ रही है इन टू टेन टू द पॉवर सिक्स रह जाएगा नीऊ ऊपर की तरफ और डिवाइड हुआ आपका थर्टीन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय नाइन एटी से उठाओ कैलकुलेटर और वैल्यू बताओ क्या निकल के आई मी गाइस जल्दी बताओ वैल्यू क्या आ रही है क्विकली क्विकली आंसर बताओ आंसर बताओ क्या आ रहा है और आप बोलोगे ओ भाई साहब आज तक हम इस वैल्यू को याद करते थे आज इसका प्रूफ निकल के आ गया है सर वन पॉइंट जीरो वन थ्री डिवाइड बाय थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाय नाइन ठीक है भाई लोग ये आपका आ रहा है आंसर सेवेंटी सिक्स पॉइंट जीरो जीरो फाइव एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ये तो आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हो क्या सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर बोलो भाई आ गया क्या आ गया क्या हर लोग अपने अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें सर प्ले नहीं मिल रही रोटेशन मोशन की टेलीग्राम पर मैसेज कर देना वहां दे दूंगा क्लास के अंदर नहीं दिखा सकता बेटा रोटेशन मोशन की प्लेलिस्ट है ना ठीक है सो दिस इज अ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट क्वेश्चन ठीक है फ्लूड के सेशन में रोटेशन की प्ले कभी भी नहीं आती है बेटा टेलीग्राम पे मैसेज करना सही जगह सही बात करो सही हेल्प पाओ फ्लूड के सेशन में रोटेशन की हेल्प नहीं कर सकते हैं बेटा ठीक है ठीके? तो ये आपका जो रिजल्ट निकल के आया इससे आप क्या समझे कि सर यही तो लिखा हुआ है 760 सिक्सटी एम एम एफ एच जी बिकॉज एक सेंटीमीटर में क्या होता है टेन एम होता है तो आज इस चीज का आप डेरिवेशन भी समझ गए हैं कि देखो इससे क्या समझ में आया इस चीज से क्या समझ में आया कि अगर एटमॉस्फेयर दबाना चालू करें मरकरी को और मरकरी ऐसे इस ट्यूब के अंदर ऊपर उठने लग जाए तो 76 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है कितना ऊपर चला जाता है 76 सेंटीमीटर that is known as 760 mm of edge g ठीक है लॉजिक समझे फील आया क्या रटना नहीं है ठीक है सो दैट इज नोन एज सर 760 mm of edge g चलिए आगे बढ़े लॉजिक समझ गए चलो अब हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देते हैं देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले कैलकुलेट करा के ठीक है सर 7.6 सेंटीमीटर होगा नो 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 ठीक है कुछ तुम गलत देख रहे हो सेवेंटी सिक्स आ रहा है क्योंकि ऊपर टू द पावर सिक्स है नीचे टू द पावर फाइव बनेगा कैलकुलेशन चेक करना ये आंसर बिल्कुल सही है जिसका सेवन पॉइंट सिक्स आ रहा है गलत कैलकुलेशन है बेटा दोबारा चेक करो ठीक है आगे देखो अब अब मैंने आपको बोला कि सर यहां पर जो है थोड़ी सी चीजें चेंज करते हैं सर ये तो एन में नहीं है बेटा आई फाउंडेशन और एन इज टोटली डिफरेंट बच्चा ठीक है सो वी आर नॉट डूइंग एन स्टेप बाय स्टेप हम आपका आई फाउंडेशन और नीट फाउंडेशन करा रहे हैं दोस्तों ठीक है चलो अब मैं तुम लोग को एक ट्विस्ट देता हूं ट्विस्ट देता हूं मैं तुम्हें बोलता हूं यहां पर कि सर सपोज सपोज इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ मरकरी बैरोमीटर वी यूज वॉटर वाला बैरोमीटर वॉटर बैरोमीटर अब क्या होगा अगर आपने पानी से भरा हुआ बैरोमीटर बना दिया होता तो क्या होता है बच्चा लोग तुम्हें तुम्हें कैलकुलेट करके बताना है मुझे ठीक है सर ये वही बाल्टी है इसमें आपने पानी भर दिया वाटर वॉटर एंड सर ये ट्यूब ऐसे इन्वर्ट कर दी ये ट्यूब और इसमें पानी को खींचा खींच लिया क्यों खींच लिया सर ऊपर यहां क्या था सर वैक्यूम था तो बताओ अगर मैं पानी का अगर बनाता बैरोमीटर तो कितनी हाइट आती मी दी आंसर गाइज कैलकुलेट करके देखिए नहीं बेटा ये जो है आपकी नाइन टेंथ क्लास की लेवल है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर IJSO एग्जामिनेशन IJSO एग्जामिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है नाइन टेंथ वाले बच्चों के लिए उनका है ये बेटा ठीक है दिस इज फॉर नाइन्थ एंड टेंथ गाइज बोलो 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 कैलकुलेट करके दिखाओ क्या आंसर आएगा आप लोग का बेटा फैजान लेक्चर नंबर वन से देख बेटा 10.3 पॉइंट थ्री ग्रेट ठीक है आप क्या बोलोगे सर देखो वापस से सेम काम करेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर यहां पर पी नॉट है यहां का प्रेशर कुछ पी है ठीक है तो आप क्या बोलेंगे सर पी इज इक्वल टू पी नॉट पी की वैल्यू कैसे निकल के आएगी जीरो प्लस रोजी एच इट इज इक्वल टू पी नॉट सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां डेंसिटी थर्टीन पॉइंट सिक्स नहीं लेंगे अपन पर हम अब आपकी डेंसिटी आप क्या लेंगे वन वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आपने लिखा यहां पर सर जी की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप सर नाइन एटी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपने सी जी कन्वर्ट कर दिया ये आपकी हाइट निकल के आ गई सर प्रेशर को कैसे लिखे प्रेशर को आप लिखोगे वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन टू द पावर फाइव पासकल्स पासकल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है कन्वर्ट करेंगे तो टू द पावर फाइव डाइन हो जाएगा एंड मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और फाइनल आंसर जो है जरा निकाल के बता दो क्या निकल के आ रहा है आपका तो आप बोलेंगे सर ये ऐसा आ रहा है 1.013 है ना ये 10 टू द पावर ऊपर 6 रह जाएगा ठीक है डिवाइडेड बाय 980 ठीक है सर ये आपका आंसर निकल के आ रहा है कैलकुलेटर के अंदर जो साफ आंसर दिख रहा है मैं आपको बता देता हूं कि क्या दिख रहा है मुझे यहां पर तो यह आ रहा है आपका वन जीरो थ्री थ्री सिक्स इंटू टेंथ दू पॉवर माइनस थ्री आ रहा है टेंट टू पावर सिक्स भी मल्टीप्लाइड है तो ये टेंथ दू पावर थ्री यहां पर रह गया सर ये किस में निकल के आया बच्चों ये आपका निकल के आ रहा है सेंटीमीटर के अंदर अब इसे सेंटीमीटर से जो है आप कन्वर्ट करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ठीक है तो फाइनल वैल्यू जो है कैलकुलेट करके देखना कि कितनी निकल के आएगी आपकी यहां पर सो दैट विल कम आउट टू बी लाइक दिस है ना टेन पॉइंट थ्री थ्री सिक्स इंटू टेन टू टू ये सेंटीमीटर सो कैन बी रिटर्न एज टेन पॉइंट थ्री थ्री मीटर अब समझ में आया क्या एक बात समझ में आई क्या अब तुम लोगों से मुझे आंसर चाहिए साइंटिस्ट लोगों ने वाटर का बैरोमीटर क्यों नहीं बनाया मर्करी वाला बैरोमीटर क्यों बनाया ठीक है ये डेटा देखो और देख के आंसर देने की कोशिश करो साइंटिस्ट लोगों ने मरकरी का बैरोमीटर क्यों बनाया वाटर वाला बैरोमीटर क्यों नहीं बनाया बोलो आंसर दो जल्दी से देखो कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देता है साइंटिस्ट लोगों ने पानी वाला बैरोमीटर क्यों नहीं बनाया बहुत ऊपर जाता भैया अगर कोई बोलता कि वो आप बैरोमीटर लाके दो तो वो दस मीटर का लंबा लेके आ रहा होता अब थोड़ा एनालिसिस तुम्हें बताता हूं नॉर्मल इंसान जो होते ना अपने जैसे इनकी घर की छत होती है बारह फिट पे ठीक है और एक मीटर में थ्री पॉइंट थ्री फिट होते हैं ठीक है अब आप थोड़ा सा कन्वर्जन करके देखो मैक्स टू मैक्स जो है कोई बड़ा आदमी है उसके घर की छत जो है चार मीटर हो सकती है नॉर्मल इंसान की थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री मीटर हो सकती है तीन मंजिल का मकान एटलीस्ट तीन मंजिल के मकान के बराबर वो बैरोमीटर लेके आता कि ये लो सर इससे एक्सपेरिमेंट कर लो आप समझ रहे हो कितना भयानक सेटअप बन जाता आपका इतना भयानक सेटअप आपका बन जाता तो उसे लेके कौन जाता दैट इज वाई वी डू नॉट यूज दी बैरोमीटर दैट इज मेड ऑफ वॉटर वॉट वी विल डू वी मेक अ बैरोमीटर दैट इज इज ऑफ मरकरी क्यों क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो कम हाइट जाता है वाटर की डेंसिटी कम है इसलिए वो बहुत ऊपर भाग जाता है लॉजिक समझ गए क्लैरिटी मिल गई क्या कि बैरोमीटर का क्या यूज है हाँ क्योंकि उसकी हाइट बहुत बड़ी हो जाती दैट इज वाई वी डू नॉट यूज बैरोमीटर ठीक है तो चलिए अब इसके बाद जो है ये चीज आप सीख चुके हैं मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और बातें बता देता हूं यार ये जो बैरोमीटर था ना इस बैरोमीटर के अंदर किसने काम किया था देखिए तो बैरोमीटर जो एपरेटस है इसे एक बार दोबारा से ड्रॉ कर लीजिए ठीक है एंड ये जो है आपका ये भरा हुआ है आपने ऐसी ये इन्वर्टेड ट्यूब रखी आप ऑलरेडी ये चीज मुझसे अभी अभी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर ऐसे मरकरी ऊपर चढ़ जाता है ये जो ऊपर वाला ना जो जगह होती है ना इसको एक पर्टिकुलर सर वाटर स्टिकी भी अच्छा रीडिंग नहीं मिलेगा वेरी गुड वाटर चिपक चिपका चिपक चिपकी भी करता है स्टिकी होता है इसलिए हम उसे यूज नहीं करते यहां पर क्या हुआ ना जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था ना बैरोमीटर पे उनका नाम था टॉर्सिली ठीक है तो टॉर्सिली वैक्यूम ऐसा कहा गया टॉर्सिली वैक्यूम टॉर्सिली वैक्यूम इसके अंदर नाम दे दिया गया अब टॉर्सिली जो वैक्यूम इन्होंने नाम दिया है वो सिर्फ इसी वजह से दिया है क्योंकि उनका नाम टॉर्सिली था ठीक है तो उन्होंने बोला कि यार मैंने काम किया है तो मेरे नाम पे कुछ चीज होनी चाहिए फिर उन्होंने बोला कि यार आपका वन एम एम ऑफ एच जी जो होता है ना इसे आज से आप मेरे सरनेम का भी आधा कर देंगे ठीक है जैसे मान लो किसी का सरनेम जो है आ, क्या यार क्या मतलब नहीं बोले क्योंकि मेरा मजाक बन जाएंगे तो ठीक है थीके? कोई बोले कि सर ने ऐसे कह दिया क्लास में सर नेम किसी का ऐसा कर दिया नहीं ठीक है तो देखो मेरा कहने का मतलब ये कि इनका पूरा नेम था टॉरसिली ठीक है इन्होंने उसको भी तोड़ दिया टॉर टॉर करके छोड़ दिया ऐसे ठीक है तो इट इज इक्वस टू वन टॉर इन्होंने बोला कि यार आज से ऐसे बोलेंगे टॉर क्योंकि ये मैंने काम किया है मैंने इसके ऊपर बनाया है ठीक है सो दैट इज वाई इसको जो है हमने इस तरह से कर दिया है ठीक है सो टॉरसिली ने जो है ना कब इन्वेंट किया है मैं आपको बता देता हूँ सो बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड इन सिक्सटीन हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री बाय टॉर्सिली तो ये टॉर्सिली जो थे इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था एंड इसे इन्वेंट किया था 1643 के अंदर ठीक है उस वक्त ये चीज इन्वेंट हो गई थी एंड इन्होंने बोला कि यार वन एम एम एफ एच को वन टॉर हम रीडिंग यहां पर दे देंगे इस तरह से और फिर उसके बाद सारी कैलकुलेशंस आपने देख ली आइए आगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है सो आर यू गाईज एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज बैरोमीटर किसी को भी कोई बैरोमीटर में समस्या है तो पूछ लो बस यही है बैरोमीटर ठीक है प्रेशर डालो वो ऊपर उठ जाएगा ऊपर उठ जाएगा तो रीडिंग निकाल लो अब इसके अंदर कोई कल को आपको बोल दे कि सर हमने तो जो है इसमें कोई दूसरा लिक्विड भर दिया तो डरना नहीं है प्रेशर इज टू बस यही कैलकुलेशन है क्लियर है आसान है समझ में आ गया तो मैनोमीटर स्टार्ट करें जल्दी से बता दो क्लियर है क्या बच्चा ब्रोमीन इज स्टिल अ डेंसर देन वाटर इवन दो गैस यस यू आर करेक्ट ठीक है ऑस्बियम हैज द हाइस्ट डेंसिटी इन टेबल ओके सर क्या ना इसके फ्लूड्स फॉर एन एस सी जीएस और वॉच दीज एन टी एस सी लेक्चर्स बेटा ये एन टी एस सी लेक्चर्स नहीं है ये आई जी एस टू के ही लेक्चर्स है तुम्हें समझ में नहीं आया बेटा आज तक मैं कभी भी जो है नाइन्थ टेंथ तो पढ़ा ही नहीं रहा था गाइज ट्रस्ट मी अगर नाइन्थ एंड टेंथ एनसीआरटी पढ़नी है तो टेंथ एनसीआरटी को पढ़ाने के लिए तीन लेक्चर तीन नहीं तो चलो मान लो आठ दस लेक्चर दस लेक्चर में टेंथ की एनसीआरटी सिर्फ निमट जाएगी इतना टाइम थोड़ी लगता है एनसीईआरटी पढ़ने में दीज लेक्चर्स आर ओनली फॉर आईजेसो ओनली एंड एन टी एस सी दोनों ठीक है ये आईजेसू का ही सीरीज चल रहा है ठीक है आईजेसू क्या होता है जूनियर साइंस ओलमपेड आओ लॉट क्या हो ठीक है एक बार गूगल करके देखना बेटा चलो मैनोमीटर स्टार्ट करते हैं कि ये मैनोमीटर क्या है ठीक है तो मैनोमीटर का जो है किस तरह का कॉन्सेप्ट होता है हेडिंग मैनोमीटर अब देखो बैरोमीटर में क्या दिक्कत आई बैरोमीटर में सिर्फ आप गैस जो प्रेशर है किसका मेजर कर पा रहे थे एटमॉस्फेयर का किसी ने बोला कि यार मुझे तो जो है गैस का प्रेशर मेजर करना है जो एक कंटेनर के अंदर पैक्ड है ठीक है तो आप अगर कंटेनर के अंदर जो है कंटेनर के अंदर किसी पैक्ड चीज का जो है निकालना चाहते हो तो देखिए तो आपने बोला ये रहा ये, रहा। ये रहा। ये आपका जो है कंप्लीट जो है ऐसा पैकेज बन गया एक डब्बा बन गया ठीक है आपने बोला कि सर यहां पर इसका ऐसा ये ये था वॉल्व लगा हुआ था वॉल्व ठीक है तो यहां पर जो है ऐसा वॉल्व लगा हुआ है ये पैक्ड है यहां पर है ना एंड इसके अंदर क्या है गैस इज अब किसी ने बोला कि यार आप इसका प्रेशर बताओ कैसे बता सकते हो ठीक है अब इसका प्रेशर बताने के लिए अगर आपने इसे खोल दिया इसको खोल दिया तो क्या होगा इसकी गैस उड़ जाएगी गैस उड़ जाएगी तो इसका प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा आपका काम ही खराब हो जाएगा तो आपको क्या करना है आपको क्या करना है ध्यान से समझना इसकी गैस को इसी के अंदर छुपा के रखना है उड़ाना नहीं है बाहर ठीक है और कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना है जिससे इसका प्रेशर नाप लो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है तो आपने देखा होगा कि यार वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं ना वो पतला सा पानी का पाइप लेके घूमते रहते हैं बिल्कुल पतला सा वाइट सा और फिर दीवार पे ऐसे ऐसे करके कुछ करते रहते हैं कितने लोगों ने देखा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं वो पतला सा पानी का एक पाइप लेके घूमते रहते हैं और दीवार पे उसको ऐसे चिपका चिपका के कुछ करते रहते हैं फिर वो मार्क कर देते हैं नील नील से मार्क कर देते हैं ब्लू कलर से ठीक है धागे से मार्क कर देते हैं बोलते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे काम कर दो कितने लोगों ने देखा है यस आईसो कभी कभी तुमने सोचा वो क्या कर रहे थे क्या कर रहे थे कभी सोचा उनको फ्लूड मैकेनिक्स आता है पता है तुम्हें उनको पता नहीं है उन्हें फ्लूड मैकेनिक्स आता है बट दे नो द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स वो फ्लूड का जो है कैसे इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर देखो अब खुद एक चीज सोच के बताओ अगर मैं ऐसा एक ट्यूब बना ऐसा ये रहा और मैंने क्या किया एक साइड से पानी भरना चालू कर दिया मैंने बोला कि यार यहां से सारा का सारा पानी डालने लग जाओ ठीक है तो ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि पानी यहां सबसे पहले नीचे जाएगा ऐसे फिल होना चालू होगा फिल होना चालू होगा जब पानी आप डालना बंद कर दोगे तो क्या इस बात में कोई दिक्कत है क्या कि दोनों साइड सर लेवल सेम हो जाता है ऐसा दोनों साइड का सर जो लेवल होता है ना आपका लेवल विल बी सेम तो आप ये कॉमन सेंस वाली बात क्या समझ सकते हो क्या दोनों साइड सर लेवल जो है आपका एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है ठीक है ऐसा हो जाता है आपने पानी सिर्फ यहां पर डाला बट दोनों साइड लेवल सेम हो जाता है क्लियर है आसान सी बात है ठीक है तो यहां पर जैसे आपने पानी डाला पानी इधर से इधर चला गया दोनों जगह आपका लिक्विड का लेवल सेम हो गया सर क्यों सेम हो गया ठीक है भाई दोनों जगह प्रेशर एटमॉस्फेयर है ना आपस में आसमान में खुला हुआ है ये ठीक है आसमान में खुला हुआ है तो आप क्या बोलेंगे सर यहां का प्रेशर कितना ओपन पॉइंट का प्रेशर पी नॉट यहां का प्रेशर कितना पी नॉट एटमोस्फेयर क्योंकि खुला हुआ है ना ये ओपन है ओपन टू ओपन कंटेनर है यहां से ओपन है यहां से भी क्या है ओपन है तो ये क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर होंगे ठीक है फिर आपने बोला कि सर देखो मैं नीचे जा रहा हूं नीचे जा रहा हूं नीचे जा रहा हूं सो इफ आई गो हाइट एच बिलो अगर मैं एच हाइट नीचे चला जाऊंगा तो यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा एच हाइट नीचे जाके यहां पर यहां से भी हाइट एच नीचे चले गए आप आपने बोला आप तो तो ऐसा होता है कि नीचे का एक पार्टिकल है इसको कोई धक्का लगा रहे हो नीचे वाले पार्टिकल को नहीं नीचे वाले पार्टिकल आराम से रेस्ट से यहां बैठे हैं ऊपर वाले ऐसे बैठे हैं तो सारा के सारे जो लिक्विड है इस तरह से दोनों तरफ अपने लेवल को इक्वल कर लेता है क्यों इक्वल कर लेता है क्योंकि दोनों साइड जो है ओपन है सेम प्रेशर लग रहा है जस्ट इमेजिन करो ना यहां से जो धक्का लग रहा है और यहां से जो धक्का लग रहा है वो बराबर है तो लेवल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा आप थोड़ा कॉमन सेंस से बताना मैं एक नया डायग्राम तुम्हें बना के दे रहा हूं और तुम्हें बताना है कि किस साइड का प्रेशर ज्यादा है ठीक है तो मान लो मैंने एक ऐसा सिनेरियो बनाया एग्जाम्पल मैंने एक केस तुम्हारे लिए ऐसा बनाया ये ऐसा मैनोमीटर था मैंने ऐसे बोला कि यार मैंने एक साइड जो है यहां पर ऐसे पानी भरा इधर जो है पानी का लेवल ऐसा है और यहां पानी का लेवल ऐसे ऊपर तक है और मैंने आपको बोला कि सर यहां जो है ना प्रेशर इस जगह ये प्रेशर पी वन है इस जगह आपका प्रेशर पी टू है ठीक है बड़ा कौन सा होगा ठीक है ऑप्शन ए पी वन इज ग्रेटर देन पी टू ऑप्शन बी P1 is less than P2, option C. P1 is equals to P2. अब ये भूल जाओ कि ये ओपन है या क्लोज है मैंने कुछ नहीं दे रखा ठीक है बस आप भूल जाओ ओपन है क्लोज है सारी चीजें भूल जाओ ऐसा स्ट्रक्चर है कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा बताओ यार कौन सा बड़ा होगा कौन सा ऑप्शन सही है बोलो सोच समझ के बोलना बच्चों वेरी गुड भाई लोग वेरी गुड बहुत कॉमन सेंस वाली बात है किसी ने धक्का दिया होगा तभी तो नीचे गया होगा किसी ने धक्का दिया होगा तभी तो नीचे गया होगा सो P1 वन इज ग्रेटर देन P2 ये बड़ा धक्का दे रहा होगा यहां से ऐसे फोर्स लगा रहा होगा तो उधर ऊपर चढ़ गया ठीक है अब देखो लौट के आओ लौट के आओ वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में उसके बारे में सोचते हैं अपन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्कर क्या करते हैं वो जब दीवार पे ईंट लगा रहे होते हैं ईंट लगा रहे हैं वो अगर मान लो उनको किसी ने बोला कि फाइव फीट की डोली बनाना ठीक है फाइव फीट की दीवार बनाना फाइव फीट यहां तक आ गई चलो यहां तक फाइव फीट आ गई अगर उन्होंने दीवार ऐसे बना दी ढलान पे, तो क्या होगा वो तो कारीगर है उसका ठेकेदार उसे मारेगा पैसे कम मिलेंगे दीवार तो सीधी बनाई जाती है टेढ़ी थोड़ी बनाई जाती है इतनी सी भी दीवार टेढ़ी हुई तो काम खराब हो गया ठीक है बिल्कुल हॉरिजोंटल बनाना है अब सर टल बनाना है तो ये इसको क्यों लेके आया ठीक है जस्ट इमेजिन करो जस्ट इमेजिन करो अभी जिस रूम में मैं खड़ा हुआ हूँ, मान लो आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर हल्की सी ढलान ऑलरेडी थी आपको दिखाई देगी कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि आपका ये घर है यह आपका घर है ये आपका घर है ऐसा ये आपका घर का फ्लोर है ठीक है ये जो पीछे वाला पोर्शन था ना इसकी हाइट जो है ग्राउंड से यहां पर फाइव फीट है ग्राउंड से और ये जो आगे वाला है ना इसकी जो है फोर फीट इलेवन इंच और उसके बाद कुछ सेंटीमीटर ठीक है तो क्या आप इसे आंखों से फील कर पाओगे क्या आंखों से फील कर पाओगे क्या मतलब उसने अंदाजे से तुक्के से बना दिया मान लो क्या इस डिफरेंस को आंखों से फील कर पाओगे कोई बोले कि यार एक पर्सन फाइव फीट है एक पर्सन फोर फीट इलेवन इंच है क्या आप देख के बता सकते हो क्या इतना डिफरेंस आप आंखों से विजुलाइज कर ही नहीं सकते हो ठीक है तो अगर मान लो आपके घर की जमीन टेढ़ी होगी तो वो दीवार भी टेढ़ी बना देगा फिर वो बोल देगा कि आपके तो घर की जमीन ही टेढ़ी थी मैं क्या करूं आपको तो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन ही बिगड़ गया ठीक है फिर मान लो कोई और पर्सन आया उसने बोला कि यार सर मैंने तो जो है आपकी इस दीवार से कैलकुलेशन करी थी आपकी दीवार टेढ़ी थी फिर वो भी गड़बड़ हो गया सारी चीज़ें घर के अंदर गड़बड़ बन गई ठीक है हर जगह थोड़ा थोड़ा सा गैप आ रहा है ठीक है वो गैप आने की वजह से सारा नुकसान हो गया हो सकता है ना ह्यूमन एरर ह्यूमन एरर ठीक है इस सारी चीजों को रिड्यूस करने के लिए हमने बोला कि कैलिब्रेशन करने के लिए आप इस्तेमाल करें इसका इससे कैलिब्रेशन कैसे हो जाएगा सर देखो यार ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है ये वर्क कर रहा है ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे ये ग्रेविटी की वजह से ऐसे नीचे आया और यहां पानी ऐसे चला गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों जगह बराबर हुए अब बताऊं वो क्या करते हैं वो लोग क्या करते हैं इसके अंदर पानी भर लेते हैं ठीक है पानी भरने के बाद जो है ये दूसरा वाला एक पाइप को फिक्स कर लेते हैं इस पाइप को देखो पकड़ लिया यहां पर दूसरे वाले पाइप को जैसे आपने ऊपर किया तो आपको दिख रहा है उसका लेवल नीचे जहां पर दोनों का लेवल मैच कर जाएगा मैच कर जाएगा वो सीधी लाइन खींच देते हैं वो बोलते हैं कि देखो सर पानी का लेवल मैच कर गया पानी का लेवल कब मैच करता है सेम हाइट पे मैच करता है सो दैट इज द लॉजिक दे आर अप्लाइंग ठीक है अगर वो जमीन से कैलिब्रेशन लेंगे जमीन से तो आपका रिजल्ट गड़बड़ आ सकता है क्योंकि आपकी जमीन फ्लोर ही टेढ़ा है मान लो किसी घर में जो है फ्लोर जो है वो टेढ़ा है तो इसका मतलब तो ऊपर की सारी चीज़ें खराब बनेगी अब उसकी है ना ऐसा नहीं होता है अगर आपका फ्लू टेढ़ा भी है तो वो इस कैलिब्रेशन को यूज करते हैं और सारी चीज़ें परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बनाते हैं बिकॉज उन्हें पता होता है कि अगर मैं इस पाइप को दूसरे पाइप को ऊपर नीचे करूंगा जहां पर लेवल मैच कर गया वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन समझे क्या बात इस तरह से तो जहां पर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वहां आपका लेवल मैच कर जाता है दिस इज एन ऑसम थिंग इसका इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है आइए मैनोमीटर के बारे में क्या ये चीज़ मिली क्या चीज क्लैरिटी मिली कि क्यों वो लोग यूज करते हैं इस यूट्यूब को ठीक है अब आप लौट के आओ यहां पर मैं क्या सिखा रहा था आपको ये मैनोमीटर एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट है जो एक क्लोज बॉक्स जो है उसके अंदर भी प्रेशर मेजर कर सकता है वॉट वी विल डू ध्यान से देखिए हम ऐसा करेंगे हमने ये जो कंटेनर था ये जो था इसका यहां पर ये वॉल्व लगा हुआ था यहां पर हमने क्या किया ध्यान से देखो हमने ऐसा ये यूट्यूब मैनोमीटर जो है अपना यहां पर ऐसा उसको लेके आए हम ऐसा इनिशियली क्या था बच्चों इनिशियली जो था दोनों के अंदर इस लेवल तक भरा हुआ था इस लेवल तक ऐसा अब आपने क्या किया इन दोनों को जोड़ दिया कनेक्ट कर दिया हाउ विल यू कनेक्ट देखो ध्यान से देखो इन्हें कनेक्ट कैसे करोगे आप इन्हें कनेक्ट करने के लिए आप इस तरह से इस तरह से ऐसा लगा दोगे ये आपका कनेक्ट करने वाली चीज है ये ऐसा अब ये क्या ना रबर का ऐसे टाइट आपने ना कनेक्टर यहां पे लगा दिया इससे क्या होगा अब आपने इसको लगाने को स्टेप्स को ध्यान से समझना ये आपका क्लोज कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है यह आपका जो है यूट्यूब मैनोमीटर वाला इंस्ट्रूमेंट है आपने यहां पर ऐसे रबर की ग्रिप से जो है इसे अटैच कर दिया रबर की ग्रिप से अटैच करने के बाद आपने क्या किया इसको हटा दिया ऐसे वॉल्व को रिमूव वॉल्व लाइक ओपन वॉल्व ओपन वॉल्व के ओपन करने से क्या होगा यहां से गैस जो है वो निकल के इसे धक्का देने लग जाएगी प्रेशर देने लग जाएगी धक्का देने लग जाएगी ठीक है धक्का देने की वजह से क्या होगा इनिशियली दोनों साइड का लेवल इक्वल था थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा खुद बताओ ये जो लेवल है ये लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला लेवल आंसर देना ये लेवल नीचे जाएगा या वहीं रहेगा बोलो भाई देखो गाइस देखो गाइज अगर कोई आके ऐसे बोलता है कि ये जिंदाबाद है वो बहुत अच्छा है तो तुम उसको अगेंस्ट में रिप्लाई मत किया करो ठीक है द थिंग इज आप पढ़ने आए हो ये सोचो जो मस्ती करने आता है ना उसका क्या कहते हैं ड्यूरेशन पाँच मिनट दस मिनट का ही होता है जो पढ़ने आया होता है इन सब चीज़ों से डेविएट मत हुआ करो लोग आएंगे लोग जाएंगे बट इफ़ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट जिसे पढ़ना है तो इन सबको देखा ही मत करो मैं बोलता हूँ ना चैट बॉक्स किसी काम का नहीं होता है इधर देखो लेफ्ट वाला नीचे जाएगा वेरी गुड लेफ्ट वाला आपका नीचे चला जाएगा ये इसे धक्का देगा और इधर का लिक्विड ऊपर उठने लग जाएगा ठीक है तो आप देखेंगे कि यहां पर सर ऐसा सिनेरियो हो गया ये ऐसा नीचे आ गया और ये जो है इधर ऐसा ऊपर उठ गया समझ में आई क्या बात समझ में आई क्या बात क्लैरिटी मिली क्या सर गैस कैन डू केमिकल रिएक्शन बिल्कुल कर सकता है गैस जो है केमिकल रिएक्शन भी कर सकता है बट हम वो सब चीजें नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ठीक है ठीके? समझ में आया क्या ये जो है ये ऐसा नीचे की तरफ जाने लग जाएगा और ये ऊपर की तरफ सर ऐसा क्यों हो रहा है अरे भाई इसे गैस धक्का देगी ना यहां से जो भी गैस जैसे आप वॉल्व को ओपन करोगे गैस ऐसे आएगी गैस इसे से इस धक्का इस देने लग जाएगी गैस जैसे धक्का देगी तो ये नीचे चला गया ये ऊपर चला गया ये ऐसे ऊपर हाइट पर चला गया अब ध्यान से देखो इस एपरेटर्स को देखो यही तो, तो बना हुआ है यहां पर यही तो बना हुआ है यही तो बना हुआ है ठीक है तो पहले इनिशियली दोनों का लेवल इक्वल था सो so सपोज ऐसा हो सकता है पहले दोनों का लेवल ये था इधर गैस ने इसे धक्का दिया तो ये लेवल नीचे चला गया उसकी वजह से राइट साइड वाला लेवल क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ध्यान रखना मैनोमीटर के अंदर क्या होता है मैनोमीटर के अंदर एक साइड आपकी क्लोज होती है दूसरी साइड आपकी ओपन टू एटमॉस्फेयर होती है ये क्या है बच्चा आपकी ध्यान से देखना ओपन टू एटमॉस्फेयर सर ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा ओपन टू एटमोस्फेयर होता है ये ये क्या होता है आपका क्लोज कंटेनर होता है चलो अब मैं तुम्हें कैलकुलेशन करना सिखाता हूं कैलकुलेशन करना सबसे पहली बात हर एक स्टेप को नोट करते हुए आगे चलना अभी तक कोई डाउट अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मैनोमीटर में सिर्फ यूट्यूब ही यूज होता है कि हाँ बेटा जनरली अपन इसी शेप को यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं ठीक है चलो अब देखना ध्यान से कैलकुलेशन देखना ध्यान बटका फिर गड़बड़ हो जाएगी इसलिए ध्यान से देखो यहां का प्रेशर कितना सर जो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है उसका प्रेशर पी नॉट क्लियर है सर लेट अस से मैंने जैसा चित्र में स्टार्टिंग में दे रखा था वही की वही चीजें मार्क कर ली कैसा दे रखा था ऐसा दे रखा था सर एच टू और एच वन ठीक है एग्जैक्टली वैसे ही मार्क कर ली मैंने कि सर देखो इन्होंने जो दे रखा है स्टार्टिंग में वही मार्क कर लेते हैं इन्होंने यहां तक का हाइट एच टू दे रखा है ठीक है इन्होंने बोला कि जो नई पोजिशन है नई वाली ये नई वाली ये हाइट इन्होंने दे रखी एच टू यह हाइट इन्होंने दे रखी एच वन ठीक है अब आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी इन अ सेम लिक्विड एट सेम लेवल प्रेशर इज सेम ठीक है अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका ड्राइंग बनाओ सर सबसे पहले तो।, तो लिक्विड यहां से भरा हुआ है बेटा ये लिक्विड ये लिक्विड भरा हुआ है ठीक है यहां ऊपर लिक्विड नहीं है ये खाली है ये खाली है इसने गैस ने दबा दिया है यहां पर गैस ने दबा दिया है वहां पर कोई लिक्विड नहीं है लिक्विड कहां से स्टार्ट हो, हो रहा है लिक्विड इस लेवल से स्टार्ट हो रहा है बच्चों ठीक है अब देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर जो प्रेशर यहां पर होगा वही प्रेशर यहां पर होगा ध्यान से देखो दो पॉइंट्स ध्यान से देखो सर ये वाला प्रेशर पी ए और ये वाला प्रेशर पी बी ये बराबर होंगे बोलो हाँ या ना ये चीज चमकी या नहीं चमकी फिर आगे बताएंगे पी एंड पी बी बराबर होंगे बोलो चमकी या नहीं चमकी पी ए एंड पी बी बराबर होंगे बोलो चमका या नहीं चमका क्यों बराबर होंगे सर सर सेम लेवल पे तो बराबर होते हैं ना इसमें दिक्कत क्या है सर सेम लेवल पे सर बराबर होते हैं आप ही ने पढ़ाया समझे ना सेम लेवल पे बराबर होते हैं सर आप ही ने पढ़ाया क्लास में हम तो आपका लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं अब देखो ध्यान से मैं प्रेशर एट ए कैसे लिख सकता हूं ए पॉइंट कहां है आपकी गैस और लिक्विड की बाउंड्री पे अगर मैं बोलता हूं कि इस गैस का जो प्रेशर था वो पी था प्रेशर ऑफ द गैस ठीक है ये गैस का प्रेशर है तो वो गैस का प्रेशर यूनिफॉर्मली पूरे एरिया में फैला हुआ होगा अब कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि सर जैसे ही आपने वॉल्व को खोला गैस रिलैक्स हो गई प्रेशर डिक्रीज हो गया ठीक है बेटा इसको इस, इस जगह हम एजम्पन लेके चलते हैं कि ये जो ओपनिंग है ना आपकी ये ओपनिंग ये बहुत स्मॉल ओपनिंग है समझना मेरी बात को कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि सर जैसे आपने गैस के कंटेनर को खोला ये गैस इधर गई इधर जाने से क्या हुआ इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया सो वी विल नॉट कंसिडर दैट एजम्पन इज यजम्पन इज दैट a very small amount of gas leaves the container to move the liquid in the U tube manometer ये बहुत कम अमाउंट की गैस निकली तो कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर आपकी तो गैस ही खत्म होगी होगी वहां पर नहीं हुई खत्म ठीक है थोड़ी सी गैस निकली उसने ऐसे प्रेशराइज कर दिया ये सेम लिक्विड के पॉइंट्स हैं, तो प्रेशर इक्वल होगा कोई बच्चा बाद में फ्यूचर में भूल जाए इसलिए लिख लीजिए सिंस इन सेम लिक्विड एट सेम लेवल प्रेशर इज सेम सेम प्रेशर होता है बच्चों सिंपल बात आसान बात चलो सर फटाफट से लिख दो जल्दी से लिख दो बिल्कुल भी टाइम आप वेस्ट नहीं करते दें पीए का प्रेशर किसके बराबर होगा सर यूनिफॉर्मली पूरी गैस भरी हुई है तो पीए का प्रेशर गैस के बराबर होगा ठीक है सो आप कह सकते हैं सर पी इज इक्वल टू गैस प्रेशर ऑफ गैस ठीक पूरी चैंबर में गैस भरी हुई है तो आप क्या बोलेंगे सर पी गैस इज इक्वल्स टू पी बी सर पी बी की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रोजी एच टू एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रोजी एच टू तो आप बोलेंगे प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रोजी एच टू ये आ गया आपको ये निकल गया आ गया तो आपने क्या बोला ओ भाई साहब हम तो गैस का प्रेशर ऐसे निकाल सकते हैं ठीक है और ये जो होता है ना आपका मैनोमीटर मैनोमीटर पे यहाँ पर सारी मार्किंग हो रखी होती है मार्किंग अगर कोई बोले कि सर मार्किंग कैसी होती है तो ध्यान से देख लो यहां पर ऐसे मार्किंग होती है कि सर ये जो है आपका जीरो सेंटीमीटर का मार्क है ये आपकी नेगेटिव में मार्किंग हो जाती है इधर ठीक है या ऐसे पॉजिटिव में मार्किंग हो रखी होती है ऐसे 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 तो आपको बताऊँ क्या करना है आपको सिंपल से काम करनी है मैनोमीटर को उठाया आपने डब्बे को कनेक्ट किया डब्बे ने पानी को धक्का दिया या जो भी इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ था मरकरी भरा हुआ था मरकरी को धक्का दिया मरकरी इधर से ऊपर चला गया आपको क्या करना है आपको P नॉट की वैल्यू में rho g h2 मल्टीप्लाई ऐड कर देना है प्लस rho g h2 ऐड कर देना है rho क्या है जो भी ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी जी क्या है एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एच टू क्या है आपको मैनोमीटर के ऊपर साफ साफ दिख जाएगा सो दैट इज वे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जो है आप मैनोमीटर की बच्चों यहां पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं तो बड़ी औसम awesome चीज है अब मैं आपको बता देता हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये केमिस्ट्री में भी यूज होती है वॉट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एब्सल्यूट प्रेशर ऑफ गैस इट इज इक्विवेलेंट टू पी नॉट प्लस रोजी एच टू अगर कोई बोले गॉज प्रेशर कोई बता सकता है कि गॉज प्रेशर का मतलब क्या होता है गॉज प्रेशर बोलो भाई किसी ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में गॉज प्रेशर क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस कहां आएंगे बेटा आईआईटी फाउंडेशन है ये इसमें क्वेश्चन आए या नहीं आए आप ये चिंता नहीं करते हैं पहले आप अपना फाउंडेशन बिल्ड करते हैं पहले देखो आईआईटी फाउंडेशन कभी भी इस तरह से सोच के नहीं पढ़ा जाता है कि ये बोर्ड के टर्म वन में देना है या एन में देना है या आईजीएसओ में देना है जनरली ये जो है आईजीएसओ एंड एन के लिए है गॉज प्रेशर क्या होता है बोलो यार यस yes, बैरोमीटर और मैनोमीटर दोनों ही प्रेशर मेजर करते हैं बैरोमीटर एटमॉस्फेयर का करता है मैनोमीटर किसी भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी डब्बे के अंदर का कर देता है नहीं पता ठीक है भाई पता होना चाहिए गॉज गॉज का मतलब आप डिफरेंस निकाल रहे हैं ठीक है तो गॉज प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर ऑफ गैस माइनस प्रेशर एटमोसफेयर का दैट इज रोजी एच टू के बराबर ठीक है तो अगर कोई आपको बोले ना कि एक डब्बा है उसका गॉज प्रेशर वन पॉइंट है तो एबसेल्यूट कितना हो जाएगा 1.5 में 1 एटीएम एटमॉस्फेयर का जोड़ देंगे आप गॉज प्रेशर क्या होता है कि कितना एक्स्ट्रा है कितना ज्यादा है वो आपका गॉज प्रेशर होता है समझ गए क्या गॉज नहीं गॉज बेटा पार्शल नहीं कहते गौज प्रेशर बोले तो एक्स्ट्रा प्रेशर गॉज प्रेशर बोले तो क्या होता है आपका एक्स्ट्रा प्रेशर तो एब्सोल्यूट क्या है रियल वैल्यू ऑफ प्रेशर आपका गॉज प्रेशर क्या है बच्चा गॉज गॉज है आपका डिफरेंस ठीक है सो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एबसेल्यूट एंड एटमोस्फेयरिक प्रेशर तो इसको माइनस कर देते हैं बच्चा लोग तो आपका जो है यहां पर गॉज प्रेशर आ जाता है ठीक है इससे रिलेटेड सवाल डोंट वरी नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में लेके आएंगे हम आपको कराएंगे बिल्कुल भी चिंता मत करना इस लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना गाइज बिल्कुल डेप्थ में पूरी चीज़ मैंने आपको सिखा दी है मैनोमीटर बैरोमीटर इवन आप जेई लेवल तक के सवाल भी बहुत ईजिली कर पाओगे ये कौन सा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर बच्चों सिक्स है ठीक है अब सिर्फ मैं आपको बता देता हूं आपके कितने लेक्चर्स यहां पर बाकी है ठीक है जस्ट अ सेकेंड अच्छा खत्म हो गया पूरा मुझे लगा एंड में कुछ होगा अब आपके ना इस वीक में अभी क्या चल रहा है अभी आपका चल रहा है आज फ्राइडे है सैटरडे फिर छुट्टी आ जाएगी ठीक है तो सिर्फ यार आपके जो है चार लेक्चर्स बचे हैं फ्लूड के चार लेक्चर्स फ्लूइड के फ्लूड आपका समाप्त हो जाएगा बच्चों इसके बाद जो ना अब जो चलेगा फ्लूड डायनेमिक्स चलेगा डायनेमिक्स डायनेमिक्स में जो ऑलरेडी चीजें आती है मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको बता दी थी कि यार आप जो है यहाँ पर बर्नौली थम सीखते हो आप जो है यहाँ पर जो है वेंचुरी मीटर समझते हो आप जो है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ क्टीन्यूटी समझते हो तो थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो भी कवर की जाएगी नेक्स्ट क्लास में आते ही हम सबसे पहले आपको प्रैक्टिस कराएंगे कुछ क्वेश्चन की यहाँ पर कि कैसे आप समझ सकते हैं इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल ठीक है बहुत बढ़िया अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन आज रात को नाइन पी पे आपके लिए जो है पोल क्विज की फ्री क्लास है तो जरूर अटेंड करना पोल क्विज सेशन है बच्चों आप लोग के लिए ठीक है एंड गाइज इसके अलावा आप एट द रेट राहुल पंचोली सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म ठीक है एंड मैं आपको बता देता हूं टेलीग्राम जो चैनल है टी डॉट एम स्लैश आर ए लाइव यहाँ पर फॉलो कर लो ठीक है जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफर्स अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के आते रहते हैं वो सारे ही मैं यहां पर आपके लिए शूट कर देता हूं इवन न इंटरेक्ट विद माई टीम जो आपको गाइडेंस पूरी प्रोवाइड करेगी कि कैसे आप सब्सक्रिप्शन लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं सो थैंक यू गाइज यू गाइज आर लवली ऑडियंस बहुत बढ़िया से आपने प्रिपरेशन किया मैं आपको और नेक्स्ट क्लास में डेप्थ में पढ़ाऊंगा डू लाइक दीडियो डू शेयर दीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीगे क्योंकि कोर्स का डिमांड आप लोग की तरफ से होगा तो हम और चीजें डेप्थ में लाएंगे इसके अलावा गाइज कीप यूजिंग आर ए लाइव रेफरल कोड फॉर ऑल दिन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन यार ऐसा करके है ना वो जो अपना प्यार है वो जरूर शो करते रहो लव एंड सपोर्ट गाइज इसके अलावा लेस क्रैक फाउंडेशन एन टी एस सी जो यूट्यूब चैनल है हमारा एल सी एफ एन इसको जो है शेयर सब्सक्राइब एंड बेलाइकन जरूर हिट कर लेना सारे एडुकेटर्स की आपको अपडेट मिलती रहेगी थैंक यू बच्चो सर पोलक्विज एन टी एस सी तक होगा ना हा, हाँ हाँ पोल क्विज हर हर दिन मतलब हर मंडे मंडे वेन्सडे फ्राइडे वीक में थ्री डेज जब तक एन टी एस सी हम चलाते रहेंगे ठीक है थीके? ठीक है गाइस थैंक यू मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बाय 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 बच्चों बच्चों बायो बायोडमीज प्लस एंड गेट इन पोर्स इन दस्कान सब्सक्राइब टू दिसनल फॉर रेगुलर अपडेट्स नॉल मोव अन अकेडमी प्लस